ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर सोशियोलॉजी क्लास। इन दिस क्लास वी विल डिस्कस टॉपिक 3.2 ट्राइबल कम्युनिटीज। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू रिवाइज यू, वी आर डूइंग द चैप्टर नंबर 3, सोशल इंस्टीट्यूशंस कंटिन्यूटी एंड चेंज। एंड इन लास्ट क्लास वी डिड द टॉपिक कास्ट इन प्रेजेंट। सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट ट्राइबल कम्युनिटीज, पेज नंबर 50 ऑफ द बुक इंडियन सोसाइटी। ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ट्राइब? ट्राइब इज ए मॉडर्न टर्म विच इज रिलेटेड टू द ओल्डेस्ट इनहेबिटेंट्स ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, द पीपल हु डिडेंट प्रैक्टिस रिलीजन, हु डिडेंट हैव any political form or state, and also in tribal communities there is no sharp division on the basis of class, and they didn't have caste system, and this term was introduced in colonial era। ये आपकी tribal communities की paragraph का है, मतलब मैं बता देता हूँ, tribe एक आधुनिक शब्द है जो उन लोगों से जुड़ा हुआ है जो बहुत प्राचीन समय से भारतीय उपमहाद्वीप में रह रहे हैं, जिनका ना कोई धर्म है, ना जिन में जाति प्रथा है, ना जिन में वर्ग विभाजन है। क्लास डिवीजन मींस जैसे अपर क्लास, लोअर क्लास, अपर मिडिल, लोअर मिडिल, इनमें नहीं है ये सब, और उनमें जाति प्रथा भी नहीं है। और ये ट्राइबल कम्युनिटी जो वर्ड है, ट्राइब वर्ड है, ये कॉलोनियल टाइम पीरियड में, मतलब जब अंग्रेज़ों का ब्रिटिशर्स राज था, उस टाइम में ये वर्ड एग्जिस्टेंस में आया। ये हो गया आपका ये पैराग्राफ। अब नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज ऑन द बेसिस ऑफ पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज। द ट्राइबल कम्युनिटीज आर क्लासिफाइड इंटू टू ग्रुप्स, परमानेंट ट्रेट्स एंड एक्वायर्ड ट्रेट्स। मतलब उनकी पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे ट्राइबल कम्युनिटीज़ को दो भागों में बांटते हैं, एक तो परमानेंट, एक एक्वायर्ड। अब व्हाट डू यू मीन बाय परमानेंट ट्रेट्स? परमानेंट ट्रेट्स में अभी आप पढ़ो, देखो मैं आपके सामने बोलता हूँ। परमानेंट ट्राइबल कम्युनिटीज आर दोज हु आर लिविंग इन मिडल इंडिया, फ्रॉम गुजरात एंड राजस्थान टू वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। तो ऐसी कम्युनिटी जो मध्य भारत में रहती हैं, और इनकी एक बेल्ट गुजरात राजस्थान जो पश्चिम में है, वहाँ से लेकर पूर्व में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तक फैली हुई है। इसके अलावा ये मिडल इंडिया में 85% लोग हैं, जो टोटल ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं 85% से भी ज़्यादा रहते हैं। गुजरात, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के अलावा इसमें जो स्टेट हैं, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश, ये स्टेट आपको याद रखने हैं। इसको हर्ट बोलते हैं ट्राइबल कम्युनिटीज़ का, क्योंकि ये हर्ट की शेप में बन जाता है जब आप इन स्टेट्स के नाम पढ़ोगे तो, अपने माइंड में इमेज बनाकर देखना। आफ्टर दैट 11% ट्राइबल पीपल्स आर लिविंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, एंड रेस्ट ऑफ 3-4% पीपल्स आर लिविंग इन रेस्ट ऑफ 3-4% पॉपुलेशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज आर लिविंग इन द स्टेट्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन दीज स्टेट्स। ठीक है, उसके बाद हम इनकी पॉपुलेशन की बात करेंगे। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैव हायर कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज। फॉर एग्जांपल, असम हैव मोर देन 30% पीपल्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड हैव मोर देन 60% ट्राइबल पॉपुलेशन, एंड इन रेस्ट ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया एक्सेप्ट उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश
अदर स्टेट्स हैव ट्राइबल पॉपुलेशन लेस देन 12%। ठीक है, तो ये हो गए हैं इस पैराग्राफ के कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। मैं एक बार समझा देता हूँ, परमानेंट ट्रेड्स या परमानेंट ट्राइबल कम्युनिटीज़ वो हैं जो मध्य भारत के गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के बीच की बेल्ट में रहते हैं। इस बीच की बेल्ट में मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश भी शामिल है। इन सभी राज्यों में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसका 85% भाग रहता है। ठीक है, उसके अलावा भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में 11% ट्राइबल लोग रहते हैं, जो उनकी टोटल परसेंट है उसका। इनमें जो शामिल नहीं हुए उसके अलावा बचे हुए राज्यों में केवल 3 से 4% लोग रहते हैं। जो पॉपुलेशन कंसंट्रेशन है ट्राइबल कम्युनिटीज़ की, वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सबसे ज़्यादा है। असम में 30% से ज़्यादा लोग हैं, जो असम की टोटल पॉपुलेशन है उसमें 30% से ज़्यादा ट्राइबल कम्युनिटीज से आते हैं। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 60% से ज़्यादा ट्राइबल कम्युनिटीज से रिलेटेड है। उड़ीसा और मध्य प्रदेश को छोड़कर बाकी सभी राज्यों की ट्राइबल पॉपुलेशन केवल 12% या उससे कम है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आ जाओ आप नेक्स्ट पैराग्राफ में। और इनका हैबिटेट्स परमानेंट ट्रेड्स का क्या है? हिल एरियाज, फॉरेस्ट, रूरल प्लेन, अर्बन एंड इंडस्ट्रियल एरियाज। ठीक है, मतलब परमानेंट ट्रेड्स के लोग या तो पहाड़ों में रहते हैं, या वनों में रहते हैं, या ग्रामीण मैदानों में रहते हैं, या फिर जो अर्बन इंडस्ट्रियल रीजन है उनमें काम करते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज द ट्राइबल कम्युनिटीज आर क्लासिफाइड इंटू फोर कैटेगरीज। नंबर वन, इंडो आर्यन ट्राइबल कम्युनिटी। नंबर टू, द्रविडियन ट्राइबल कम्युनिटी। नंबर थ्री, ऑस्ट्रिक ट्राइबल कम्युनिटी। नंबर फोर, तिब्बतो बर्मन ट्राइबल कम्युनिटी। चारों के नाम आपको याद रखने हैं ऐसे के ऐसे। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में, इसी पैराग्राफ में लास्ट की 3 लाइन में, इन फिजिकल रेशियल टर्म। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड रेशियल टर्म ट्राइबल कम्युनिटीज आर क्लासिफाइड इंटू निग्रो, ऑस्ट्रेलॉयड, मंगोलॉयड, द्रविडियन एंड आर्यन। ये पांच आपको इसके नोट्स बनाने हैं जो मैं बोल रहा हूँ एज इट इज इस बुक को पढ़ते टाइम। नेक्स्ट पैराग्राफ, इन टर्म्स ऑफ साइज। इन टर्म्स ऑफ साइज ट्राइबल कम्युनिटीज आर क्लासिफाइड एज अंडेमान आइलैंडर्स, मतलब जो अंडेमान और निकोबार के आइलैंड्स पे रहते हैं। एंड द बिगेस्ट ट्राइबल कम्युनिटीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज आर गोंड्स, भील्स, संथाल्स, ओरेंस, मिनास, बोडोज एंड मुंडाज। ये ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जो जिनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडियाज पॉपुलेशन इज नियर अबाउट 8.2% और 84 मिलियन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। इनकी टोटल पॉपुलेशन 8.2% है भारत की कुल आबादी का, या फिर 84 मिलियन लोग, ये 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग। तो अभी हमने क्या किया है, एक हमने कर लिया लैंग्वेज के बेस पे जो 4 भागों में ट्राइबल कम्युनिटीज़ को बात विभाजित किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया, क्लासिफाई किया गया है। फिजिकल और रेशियल टर्म में ट्राइबल कम्युनिटीज़ को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। साइज के बेस पे ट्राइबल कम्युनिटीज़ को अंडेमान आइलैंडर्स एंड और बाकी सभी ट्राइबल कम्युनिटीज़ के नाम कि किसका साइज जो साइज में ज़्यादा है, जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है, जैसे गोंड्स और ये सभी पड़े हैं। उसके बाद आ जाओ आप नेक्स्ट पैराग्राफ में। वो व्हाट आर एक्वायर्ड ट्रेड्स। एक्वायर्ड ट्रेड्स आर ऑल्सो क्लासीफाइड ऑन द टू बेसिस। नंबर वन, मोड ऑफ लाइवलीहुड। मोड ऑफ लाइवलीहुड, इन मोड ऑफ लाइवलीहुड द पीपल हु कम आर फिशरमैन, फूड गैदरर्स, हंटर्स, शिफ्टर,
शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, पीजेंट्स, प्लांटेशन एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स, मतलब एक्वायर्ड ट्रेड्स को भी दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। नंबर एक है जो उनकी जीने का मोड है, मतलब फिशरमैन जो मतलब फिशिंग करके जीते हैं, फूड गैदरर्स जो लकड़ियों को इकट्ठा करके, हंटर्स जो इधर उधर घूम के शिकार करके, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स मतलब जो एक बार एक जगह पे खेती करे, बाद में दूसरी जगह पे, उसके बाद नेक्स्ट। पीजेंट्स मतलब जो खेती करते हैं, प्लांटेशन मतलब जो बागानी से रिलेटेड है, और इंडस्ट्रियल वर्कर मतलब जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। एंड द सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ एक्वायर्ड ट्रेड्स इज रिलेटेड टू द एक्सटेंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन टू हिंदू सोसाइटी। इसका मतलब है कि हिंदू सोसाइटी से वो ट्राइबल कम्युनिटी कितनी प्रभावित है या कितनी नहीं है। ठीक है, इसमें आप देखो जो इसमें बातें दी गई हैं, एंड द एक्सटेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज इनकॉर्पोरेशन इन टू हिंदू सोसाइटी इज ए डोमिनेंट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजी, पॉलिटी और पब्लिक अफेयर्स। मतलब आपसे एमसीक्यू में ये पूछे कि एक्वायर्ड ट्रेड्स में कौन सी डोमिनेंट क्लासिफिकेशन मानी जाती है, तो डोमिनेंट क्लासिफिकेशन इज रिलेटेड टू द डिग्री ऑफ असिमिलेशन इन टू हिंदू सोसाइटी, मतलब हिंदू सोसाइटी से कितनी ट्राइबल कम्युनिटीज प्रभावित हैं, ये उसकी डोमिनेंट क्लासिफिकेशन है। डोमिनेंट क्लासिफिकेशन इज कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्राइब, लाइक डोमिनेंट हिंदू मेन स्ट्रीम, एटीट्यूड टुवार्ड्स हिंदू सोसाइटी, मीन्स दे फॉलो हिंदुइज्म और दे अपोज हिंदुइज्म, स्टेटस इन हिंदू सोसाइटी, मोस्ट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज हैव लो स्टेटस इन हिंदू सोसाइटीज बट सम ऑल्सो हैव हाई स्टेटस। अब देखो इसको, एक्वायर्ड ट्रेड्स को एक बार फिर से सुनो। एक्वायर्ड ट्रेड्स को दो भागों में क्लासीफाई किया गया है। नंबर वन है मोड ऑफ लाइवलीवुड, वो आसान है कि कौन फिशरी से जी रहा है, कौन शिफ्टिंग कल्टीवेशन से जी रहा है, कौन इंडस्ट्री में काम करके जी रहा है। नंबर टू क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ी टफ भी है। नंबर टू क्लासिफिकेशन है कि असिमिलेशन इन टू हिंदू सोसाइटी ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज, कि ट्राइबल कम्युनिटी कौन सी या कितनी ट्राइबल कम्युनिटीज हिंदू सोसाइटी से प्रभावित हैं, हिंदुइज्म से प्रभावित हैं या नहीं है, उसकी क्लासिफिकेशन किस किस बेस पे की गई है। डोमिनेंट हिंदू मेन स्ट्रीम मतलब ये ट्राइबल कम्युनिटीज डोमिनेंट मतलब हिंदुइज्म की जो मेन स्ट्रीम कौन सी है, हिंदुइज्म, उसकी डोमिनेंट क्लासिफिकेशन को मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं या नहीं, मतलब हिंदुइज्म को मानते हैं या नहीं, एक बात। दूसरी बात, हिंदुइज्म को मानते हैं तो उनका स्टेटस हाई है या लो है, दो बार ये हमने आज पढ़ा है। एक बार रिव्यू देखना है तो ट्राइब क्या होती हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइब्स परमानेंट एंड एक्वायर्ड, उसके बाद क्लासिफिकेशन लैंग्वेज के बेस पे, क्लासिफिकेशन फिजिकल रेशियल बेस पे मतलब वो कैसे दिखते हैं या उनकी रेस कौन सी है, साइज के बेस पे, उसके बाद एक्वायर्ड ट्रेड्स, एक्वायर्ड ट्रेड्स की क्लासिफिकेशन दो, मोड ऑफ लाइवलीहुड एंड एक्सटेंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इनटू हिंदू सोसाइटी। ये हमारा आज का टॉपिक है, तो इसके नोट्स बना लेना, नहीं बने तो मेरे को ग्रुप में मैसेज कर देना, मैं बना के डाल दूंगा, और इसको अच्छे से पढ़ लेना। ओके, थैंक यू।